मतलब कितनी बड़ी होगी, बहुत दर्दनाक खतरा हुआ है ऊपर, कोई नहीं बचा इस परिवार में। किशनगंज जिला के पो अखाली रोड हादसा में इस परिवार का कोई रोने वाला नहीं बचा। किशनगंज जिला प्रशासन ने पो अखाली हादसे पर जारी किया बयान। अब समाचार विस्तार से। किशनगंज के पो अखाली के पास भीषण सड़क हादसा हुई। ये दुर्घटना पेट भरी के पास NH 327E पर स्कॉर्पियो और डंपर में आमने सामने टक्कर से हुई थी। प्राप्त सूचना के अनुसार हादसे में 5 लोग की मौत हुई। स्थानीय प्रशासन और जनता के सहयोग से तुरंत ही घायलों को बेहतर इलाज हेतु MGM अस्पताल में भेजा गया। जिलाधिकारी श्री तुषार सिंगल ने इस घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुख के इस घड़ी में जिला प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और हर संभव मदद के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ठाकुरगंज तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को बेहतर चिकित्सा हेतु MGM हॉस्पिटल भेजने की कार्रवाई की। जिलाधिकारी के आदेश आलोक में अपर जिला परिवहन पदाधिकारी घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी किशनगंज, कार्यपालक पदाधिकारी ठाकुरगंज, रेड क्रॉस के अधिकारी को MGM अस्पताल में उपस्थित रहकर लगातार वस्तुस्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी श्री तुषार सिंगल ने कहा कि पीड़ित परिवार को अविलंब सड़क दुर्घटना से मिलने वाली मुआवजा देने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया जा चुका है कि सड़क दुर्घटना में संबंध जिलाधिकारी ने NHAI के PD से दूरभाष पर बात की। बताया गया कि रोड सेफ्टी के ओर अधिक बेहतर एवं प्रभावी बनाने पर अविलंब कार्रवाई की जाएगी। NHAI के PD ने बताया कि NHAI की पूरी टीम कल पहुंचेगी और इस नए हाईवे पर आकलन करते हुए अधिक जगहों पर रंबल स्ट्रिप कैमरा आदि के अधिस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं आवाज़ आपका 24 और आपके साथ है MS परदेसी। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तरह से दुर्घटनाएं जो हो रही है रोड में, इसमें दो कारण है। सबसे बड़ा कारण है क्या कि हमारे GR कंपनी वाले जो रोड बनवा रहे हैं, इस रोड में वो लापरवाही बरतते हैं और कभी तो ये रोड को बंद करते हैं, कभी वो रोड को बंद करते हैं और बंद करने के बाद सही रूप से वो निर्माण कर भी नहीं पा रहे हैं और उसमें आवाजाही में जो है जो वाहन चालक को बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत होता है और ना कहीं उसको समझ में आता है कि अभी हम कौन रोड से चलें। काहे कि अभी रोड चालू रहता है और अभी फिर दूसरे रोड को बंद कर देता है, जिसके कारण जो है इन लोगों को अंदेशा में रहता है और अंदेशा में रहने के कारण जो है दुर्घटनाएं बड़ा लापरवाही है GR कंपनी का, कि GR कंपनी ही के लापरवाही से उसका ये रोड के आवागमन में सही सुरक्षा नहीं देने के कारण, सही सुरक्षित रूप से रोड को नहीं बनाने के कारण जो है इस तरह का घटनाएं होती है। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए और मैंने सब दिन इस तरह का घटना होते रहता है, इसलिए हमारे जिला पदाधिकारी से हमारा ये डिमांड होगा, ये मांग होगा कि GR कंपनी को कम से कम दशा निर्देश दें कि जब ही वो किसी रोड को बंद करता है तो वो पहले सूचना कर दें ताकि किसी वाहन चालक को किसी तरह का कठिनाई ना हो और वो उस रास्ता के सिग्नल के अनुसार चले ताकि इस तरह का दुर्घटना ना हो। क्या स्थिति है पवाखाली में हाईवे पर जो बनिया फोर लेन, उसी में ट्रक और स्कॉर्पियो के टक्कर में एक गाड़ी में लगभग 5 इसका गार्जियन थे और 6 बच्चा था। 5 गार्जियन मर चुके हैं, माँ बाप सब, इन बच्चों का कोई नहीं रहा इस दुनिया में। और इन लोगों को फिर जैसे हम लोग को पता लगा, फिर हम लोग अपनी गाड़ी से लेके MGM पहुँच गए हैं, इसका सही इलाज हो और बच्चा लोग ठीक ठाक हो जाए। क्या क्या लगता है मतलब कितनी बहुत दर्दनाक खतरा हुआ है ऊपर, कोई नहीं बचा इस परिवार में। कहाँ से थे ये लोग, कहाँ जा रहे थे, कुछ जानकारी मिला है? पता नहीं, सिर्फ चूंकि का ही जानते हैं।